देश में लॉकडाउन के चलते एकदम से सभी काम बंद होने की वजह से दिहाड़ीदार मजदूर बिना काम के बैठे हैं और अब वो अपने अपने घरों में जाना चाह रहे हैं, जिसके चलते पंजाब सरकार द्वारा उनके वापस भेजने की कवायद शुरू की गई थी। और आज फरीदकोट से झारखंड स्टेट से संबंधित 70 के करीब मजदूर जो फरीदकोट जिले में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उनको 3 बसों के जरिए बठिंडा के लिए रवाना किया गया और आज पहले इनको फरीदकोट के बस स्टैंड पर एकत्र कर इनको नाश्ता करवाए गए और बाद में इनको साथ ले जाने के लिए रास्ते के लिए भोजन पानी फल आदि पैक कर दिए गए। SDM फरीदकोट पर मदीप सिंह ने कहा कि आज 70 मजदूर झारखंड के लिए जा रहे हैं और जो दूसरे ओवर सुबह के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उन्हें भी बस या ट्रेन के जरिए उनके सुबह के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं घर वापसी के लिए निकले मजदूरों ने भी पंजाब सरकार के प्रबंधों पर खुशी जाहिर की और सरकार का धन्यवाद किया। कौन मंडल, क्या कहना चाहते हो आज जो अपने गांव पर जा रहे हो? सर ये लॉकडाउन में सर मेरा काम भी नहीं चल रहा था, ये हम फंसे हुए थे, मेरा सरकार ने व्यवस्था किया जाने के लिए ऑनलाइन करवाए हैं, मेडिकल से मेरा मेडिकल कागज बनवाए हैं तो आज जाने के लिए व्यवस्था कर दिया सर। सुविधाएं भी दी गई हैं बहुत अच्छा जी, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा, खाने के लिए भी बहुत सुविधा अच्छा दिया। तो पंजाब सरकार ने आपकी इतनी मदद की, बहुत ज़्यादा मदद, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा जी, धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत मदद की, खाने पीने के लिए भी बहुत मदद की कैप्टन साहब ने। ये अज असी फरीदकोट जिले विचों तकरीबन 70 जिहड़े झारखंड दे निवासी ने इन्हां नूं इत्थों बस दे राहीं बठिंडे तक पहुँचावांगे। बठिंडे शाम नूं 5 बजे इन्हां दी ट्रेन हैगी है जिहड़ी अग्गे उन्हां नूं झारखंड लै जाएगी। सर इन्हां दा कोई खाण पीण दा भी इंतजाम सरकार वल्लों कीता गया? बिल्कुल कीता गया जी, इन्हां नूं इस वेले ब्रेकफास्ट कराया गया, चाह पियाई गई है, नाल जिहड़ा लंच हैगा उह देता गया, प्लस नाल ड्राई राशन जिहड़ा हैगा जिद्दां बिस्किट हो गया, कोई रस हो गए, ब्रैड हो गई बंद हो गया, वो नाल सारा उन्होंने नाल लेके पैकेट देता गया। सारे वास्ते इंतजाम किए गए जी, पोर्टल साडा पंजाब सरकार का हैगा, उहदे उत्ते जिन्हें जाना वो रजिस्टर करे, जिन्हें छत्तीसगढ़ जाना, यूपी जाना, बिहार जाना, झारखंड जाना, सब रजिस्टर कर सकते, जिदा जिदा ट्रेन आई जाएगी उस हिसाब नाल असीं बंदे की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे जाऊंगे। सर मेडिकल सहूलत किस तरह? मेडिकल सहूलत सारा की थर्मल स्क्रीनिंग पहले की गई है, सारा पूछा गया, कोई कोई शिकायत किसी को नहीं हैगी, किसी को बुखार या खांसी नहीं हैगी, फिर भी जेकर बाद चो किसी को प्रॉब्लम आती तो वो सहूलत जी ट्रेन में।